अस्सलाम वालेकुम एवरीवन दिस इज़ मिश्रा राजपूत और आज मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त स्पाइरल फ्राइज लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले देखें मैंने तीन आलू लिए थे काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ का एक था वो दिखा दिया इस तरीके से उनको मैंने काट लिया है और अब इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी फुल डन करना है हमने ठीक है क्योंकि जब इसको हम बाकी प्रोसेस करेंगे तो उसके लिए ये फुल डन होना ज़रूरी है ये, देखो इस तरह होना चाहिए डन ठीक है पानी इसका सब डिस्कार्ड कर दो और अब आप इसको पोटैटो मैशर हो आपके पास ब्लेंडर हो चॉपर हो आपको इतना अच्छे से इसको पीसना है कि इसका ये क्रीमी टेक्स्चर हो जाए एक भी इसमें जो है वो आलू का चंक नहीं रहना चाहिए ठीक है अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक हाफ़ टी स्पून जितना डाल रही हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक है इसमें जा रहा है दो से तीन टेबल स्पून मिल्क ज़्यादा मत डाल दीजिएगा बिल्कुल सही से फॉलो कीजिएगा कॉर्नफ्लावर जा रहा है तीन टेबल स्पून भर के अगर तो आपको बाद में आपका बैटर रन लगता है तो आप थोड़ा मैदा शामिल कर सकते हैं मैं बताऊंगी कब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ऊपर रेड चिली फ्लेक्स एंड पाउडर आप हर चीज़ अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे ठीक है मिक्स हर्ब्स मेरे पास रखे हुए थे देखें मैं ये बॉटल दिखा देती हूँ अगर है तो शामिल कर लें वरना नहीं बिल्कुल ऑप्शनल है ठीक है ये मुझे पसंद है इसलिए मैं हर खाने में डाल देती हूँ अच्छा देखें हमेशा हर चीज़ अच्छी नहीं होती है ये भी हो जाते हैं सीन कभी कभार <laughs> अब मैंने जो है उस बैटर को अच्छे से मिक्स करके रख दिया है कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए रन ही नहीं होनी चाहिए ठीक है यहाँ पे डीप फ्राई के लिए ऑयल गरम करने रख दिया था मैंने मीडियम हीट पे एक पाइपिंग बैग लिया उसको मैंने ऐसे ग्लास पर लगा दिया था ये मेरा बैटर है और अब मैं उसको उसमें पोर करूँगी पाइप आउट करेंगे हम स्पायरल बनाएंगे देखिए मेरा बैटर जो है वो रन ही नहीं है काफ़ी थिक है अगर आपको लगे कि आपका बैटर भाई बहुत ज़्यादा लिक्विड ही कंसिस्टेंसी का हो रहा है आपने वही करना है मैं मैदा शामिल करना है दो से तीन टेबल स्पून उसको स्टेबल करना है वरना ये सब फैल जाएगा वैसे अब आप शेप्स बनाना शुरू कर दें जैसे भी बनते हैं बनाएं ज़रूरी नहीं है इतना ये परफेक्ट बने ये एक मेरी बहन ने बनाया था जो टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है वो मेरा एक काम है <laughs> ये देखें वो टेढ़ा मेढ़ा मेरा काम है ये देखें एक बन गया था बहुत ही ज़बरदस्त बना था थोड़ी देर बाद जब सबको इतनी एक्साइटमेंट हुई ना सारे घर वालों ने हाथ साफ़ किया है आके इस पर बहुत अच्छे बनते हैं फ्लेवर बहुत अच्छा होता है ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये कैसा बना आई एल वेट फॉर योर फीडबैक अल्लाह